चिंटू रान दे सूखे उठते भाई आज बारिश दिखने में जैसे ही उठा देगा बाहर भाई जबरदस्त मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही है बाहर जैसे ही उठते देखा मजा आ गया। इस बारिश के मौसम में आप बना रहे हो ये सड़े पकौड़े तलते थे। अरे भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं है वैसे ही बन रहा है। क्यों हो गया आपकी तबीयत को आंखें देख रहे मेरी देना, देना। क्या हो गया खुली नहीं रही तो क्यों बना रहे हो फिर नशा क्यों बनवा रहा भाई ध्यान ध्यान लगा हुआ भाई उनके आगे दिक्कत हो रही है तो बंदे ध्यान ध्यान लगा हुआ जैसे वैसे ये रहता तबियत खराब मनवाई जा रहा है। चीनू भाई थोड़े बर्तन मांगते हमारे घर के यार थोड़े से बर्तन मांग लो आप अरे तू मांग थोड़े से हैं तू दोनों मांगो इकट्ठे तू मान साले इतने सारे बर्तन पड़े रह गए पड़ा इतने सारे नहीं बस थोड़ी प्लेटे प्लेटे मारनी है और कटोरी में चम्मच मारनी मान चल तो भाई आज ना चीनी में मेरे को बर्तन मारने पड़ेंगे। तो भाई साहब मैं आज आपको ट्यूटोरियल देते हैं कैसे बर्तन मारने हैं। चलो भाई शुरू हो जाओ। पहले ले लीजिए जो भी गंदा बर्तन है आपका ठीक है फिर ये ले लीजिए जूना 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 नीचे से सब्जेक्ट आइए क्योंकि वो भी गंदी हो जाए। ओहो सॉरी 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 मुझे दीजिए। देखिए पहले ऐसे करना है इस पर थोड़ा वो लगाएंगे सरफ सुरफ पहले पानी लगाओ बेवकूफ हो सॉरी भैया पहले ऐसे पानी से धो लें खंगाल लेंगे इसे अच्छे से चिंटू को चाटे मारे ऐसे कटाक 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 काम करेगा फिर लगाएंगे सरफ ऐसे लग तो रहा है नहीं फिर भी लगाएंगे कोशिश करेंगे। अब लग चुका है यहाँ पे सरफ और ऐसे धो देंगे ठीक है भाई अपने घर के बर्तन ऐसे मान जाएगा चिंटू से पूछ पूछ के। चिंटू भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप सारे बर्तन मान लिया मैं तो भाई नया भी नहीं अभी तक मैं नहीं मानता मैं तो मेहनत के बाद चीनू और मैंने सारे बर्तन मांज दिए थोड़ा गंद मचा दिया हमने और बर्तन बढ़िया तरीके से मांजे। चीनू कितनी देर लगी 20 मिनट मेरे गीला हो गया कितना हो गया भाई पूरा गीला हो गया मैं भी और ये भी देखो पूरे भीगते हम पूरे रसोई भी भिगा दी हमने रसोई भी पूरी भिगाई भाई हमने देखो पर हमने काम भी पूरा कर दिया बस एक ही रह गया अभी मांजने का मन नहीं कर रहा फोन ने बहुत साथ दिया गाने चल रहे थे इसमें रख लेते ना तो ये हीट नहीं करता ये इसके अंदर एक फैन भी लगा हुआ है हीटिंग रोकने के लिए और लेवल करने के लिए लैपटॉप को भी। वेलकम बैक टू द फैन ब्लॉग आज दिन की शुरुआत हम कर चुके हैं भाई अभी बर्तन मांजे थोड़ी देर पहले नहा धो के अभी रेडी हुआ हूँ और मैं यार स्कूटी की सर्विस करवाने जाने थी उसके लिए मैं लेट हो गया क्योंकि शाम के बच्चों के 5 बजे तो भैया वो जाने का फायदा नहीं पता क्या करेगा सर्विस कर देगा वॉशिंग करवा भी ना दे देगा और इस बार फिर रह जाएगी यार हो रहा है बारिश का माहौल तो इसलिए सब कपड़े मतलब क्या कपड़े क्या तौलिए थे हमारे तौलिए रात को बारिश में भीग गए थे तो अभी अंदर टंग रहे अभी भीगे हुए हैं सूखे नहीं पाए अभी तक क्या करूंगा मैं अभी का ये सीन ये है कि ना थोड़ी देर बैठा हूँ बारिश तो रुक चुकी है वैसे तो बट कभी भी दोबारा आ सकती है क्योंकि आज आपको पता ही होगा कितना जबरदस्त मौसम हुआ आज इनकी थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी तब भी इन्होंने काम कर ही दिया घिया बना दिया देखते कैसा बना गया बना कहीं भी तो बन रहा है नहीं वो तो मैंने बन गया घिया वैसे मेरा मेरे को पसंद ही है तो खाई लूंगा रोटी और क्या है ना चोर चावल थोड़े पड़े या उतने ही थे नहीं उससे ले लेना ज्यादा है उतना ही है क्या चम्मच दे दो फिर एक उसी में प्लेट में से एक ले लूंगा भाई केशव से थोड़े से मांग लेते हैं चोर चावल मेरे को भी डाल दे दियो अच्छा इसमें है क्या इसमें दे दे थोड़े से दे दिए इसमें इसी से काम चलाता हूँ बाकी रोटी खा लूंगा ना घिया के साथ हमें देखो कितने दिए इसमें ये दिया तो कोई बात नहीं ना चलो कोई नहीं दो दिन रोटी खा लूंगा घी से ठीक है। फोन का टेम्पर भी टूट गया वो भी लगवाने जाऊंगा अभी शाम को जाऊंगा अभी मौसम देखो वैसे शाम तो है ही क्या सुबह से ही शाम हो रही है आज ये देखो मौसम तो जहर हो रखा है बिल्कुल एकदम साफ सुथरा देख रहे हो गेट के अंदर से दिखा रहा हूँ जाली के भीतर से बाहर देखोगे हल्की हल्की धूप तो है जी की बात हम आज मेरी ना घड़ी मिल गई भाई ये घड़ी और FM रेडियो सब कुछ है मैं माइक ढूंढ रहा था अपना साथ साथ मिल गई मैं आज माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये देखो मेरा माइक में खो गया था मिल गया मुझे साथ में घड़ी मिली और एक चीज़ और मिली थी कांगई ये देखो ये थी ये मेरा ना एक पहले जब मैं स्ट्रीमिंग वगैरह करता था मतलब यूट्यूब पे कोशिश करता था तब मैंने मंगाया था ये ऑडियो कन्वर्टर कुछ होता है इससे ऑडियो वगैरह ट्रांसफर होती है मतलब चीज़ें मेरे काम की चीज़ें काफ़ी मिल गई पुरानी सब गंद मचा हुआ है साफ भी करूँगा टेबल पूरा भर चुका है भाई भाई मम्मी ले आई यार मम्मी इतनी मेहनत मत करो बीमारी में फिर भी चलो दो रोटी जाता हूँ बनाया दो तीन दो बना दो बस चीज़ मेरे को पसंद है ना वही काम करेंगे बढ़िया भर दी इसके अंदर किस खुशियाँ भरी हैं मन डालते इससे बढ़िया
जैसे मजबूरी थी कोई डालने की, पता नहीं क्यों डाल दी। देखना जरा सारी सब्जी में से निकली है। देख रहे हो केशव बना के लाया है, क्या है भाई ये? बेलपूरी। बेलपूरी बेलपूरी खाएंगे, नानी के घर जाएंगे। भाई क्या क्या डाला तूने इसमें? आगे देख बदल गया अंत के मस्त भाई चीज़ें डाल रखी है, मस्त मस्त। पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, इतनी रंग बिरंगी लग रही है ना भाई, मस्त एकदम। और टाइम पर क्या हो गया? छः। अरे हाँ टाइम इसमें नहीं, अब टाइम इसमें देखो आज तो, ये तो चमक रही है। टाइम देखो भाई, पौने छः हो गए। क्या तुमको भी दिख रहा है वो जो मेरे को दिख रहा है? चम्मच के अंदर पंखा घूमता हुआ देखो, नया कॉम्बिनेशन देखो। एक तो सब्जी में बेकार की चीज़ डाल रखी है, ऊपर से घर ही भेलपुरी। अगली बार से मत डाल देना फालतू की चीज़ें। ओके ये वार्निंग नहीं, रिक्वेस्ट है। ओके अगली बार मैं यहाँ पर बैठ के ये नहीं खाऊंगा, ठीक है? चिंटा लेके आया है, चिंटा पता क्या है ये? बेहतरीन आइस क्रीम। चिंटे इधर आ, इसके लिए भी लाया चिंटा। पैसे मैंने जितने लेके चिंटा आया। चिंटा भाई थैंक यू। हमारे लिए कम पैसे गया, अपने लिए हो 50 भाई। मेरी 50 वाली, इसकी 20 वाली, क्योंकि छोटा है इसलिए छोटी मिली इसको चिंटे को। और इनको कुछ भी नहीं मिला क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं दिया। नहीं मेरे को मिली है, मेरी इनकी शुगर फ्री वाली मंगाई है। पता नहीं कब खाएंगे, जब पिघल जाएगी। नहीं पिघल जाएगी नहीं, अभी नहीं खा रही, मेरा मन नहीं। किसी बच्चे को पकड़ के ले और वो बच्चा बेचारा शर्मा रहा है। देखो जरा कैसे बैठा हुआ। नाम भी नहीं बता रहा। आपका नाम बता रहा? नहीं बताया तो है। नाम बताना है दोबारा अपना। अब बोल रहा है, पता कैमरे के सामने, इसको भी कैमरे का शौक है। शर्मा जी, शर्मा जी पापा तो नहीं लेट आते। टाइम हो रहा है आपके 9 और जा रहा हूँ अभी गुरुद्वारे बाबा जी की ब्लेसिंग लेके आता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि यार गया उन्होंने गुरुद्वारे 2-3 दिनों से, तो अभी मत्था टेक के आता हूँ एक बार। देखना कैसा हो गया भाई, गटर मारे यहाँ का। इसके ऊपर पता नहीं क्या हुआ था, ये गल गया था, कंट टूट गया, इसलिए देखो पूरा भाई टायर अंदर चला था, बच गया भाई। गुरुद्वारे चलते अंदर भाई, फिर आ गया। कितने दिन से गया था अभी, क्या लेते? पेपर आके 20 दिन बाद पेपर है, अभी से हो रहा है पेपर। पेपर पेपर सुधर जा भाई तुम, पढ़ाई नहीं। और यहाँ बैठा हुआ गुरुद्वारे के अंदर, देख रहे हो इस बंदे को? पापा जी बात कर रहे हैं। हाँ भाई टाइम अभी पता क्या हो गया, सवान हो चुके हैं। चलते भाई घर, ये देख रहे हो हमारे देसी जुगाड़। यहाँ पे पीछे लाइटें चल रही है, इसको मीटर को ठंडा रखने के लिए यहाँ पंखा चला रखा है, ताकि मीटर ठंडा रहा है। तो स्पीड का कमाल, स्पीड से चढ़ेंगे वरना चढ़ेंगे नहीं रिक्शे। अभी आया हूँ जरा फोन का टेम्पर लगवाने, टेम्पर टुम्पर लगवा लिया, गुरुद्वारे से भी हुआ, पहुँच चुका हूँ घर पे और चलते हैं अंदर। आज पता है मम्मी ने कैसी रोटी बनाई है? तंदूरी। पता नहीं इन्होंने इनको कहाँ से शौक चढ़ा था नई नई चीज़ों का, और तंदूरी रोटी बनाई है। साथ में अपना वही अचार का डब्बा ये भी है, और प्याज लेके आ रही है, अभी ये खाते हैं। फिर टाइम तो पता है आपको 11 बजने वाले हैं। भाई अभी जा रहा हूँ गेड़ी मारने एक पैदल, मतलब कि थोड़ा चलने जा रहे हैं पैदल। क्या खाली स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही, पहले देखूँ स्कूटी स्टार्ट हो जाए फिर पैदल जाना ही पड़ेगा। खत्म हो गया उसके अंदर, पापा ने स्टार्ट करने की कोशिश करी थी, उनसे हुई नहीं। मैं चेक करता हूँ एक बार जाके, मेरे को लग रहा है पेट्रोल खत्म हो गया इसके अंदर। भाई पेट्रोल खत्म हो गया लग रहा है मुझे स्कूटी में, तो थोड़ा सा पेट्रोल अरेंज करते हैं बाइक में से, उसमें से निकालता हूँ खोल के और फिर डाल के देखता हूँ क्या पता चल जाए। इतना सा निकाले पहले स्टार्ट करके देखता हूँ इससे होती है नहीं होती है, फिर पेट्रोल पंप ले जाएंगे। लगा दे उल्टी करना बोतल, मोटर पल्टी लगा दे इस पर, ऐसे तो गिरेगा बाहर, बाहर मत गिरा यार, बड़ा प्रेशर है पेट्रोल। भाई कड़ी तपस्या के बाद भी ये स्टार्ट नहीं हुई। कल मैं ना स्कूटी वाले के ऐसे ऐसे करूँगा जाके कि ये कैसे बंद हो गई दोबारा। हम निकल चुके हैं पैदल सैर करने के लिए, स्कूटी तो हमारी स्टार्ट हुई नहीं। कंज्यूम करके वॉकिंग करके रात को खाना खा के आ चुका हूँ मैं घर पे, क्योंकि भाई रात को चलना बहुत ज़रूरी होता है खाना खाने के बाद। और अभी जस्ट घर घुसा हूँ और ये लैपटॉप में कुछ काम करने बैठ गया, इसको देख के मेरा GTA 5 खेलने का मन कर गया। थोड़ी देर में खेलता हूँ, चलते फ्री होगा भाई। जो मज़ा आता ना इसको खेलने में, वो किसी चीज़ में नहीं आता भाई। उल्टी सीधी गाड़ी चलाओ, जिसको मर्जी ठोको, जहाँ मर्जी ठोको भाई, सब कुछ पहले जैसा होता है भाई। 1:15 हो गया और अभी भी हम इस गेम को खेल ही जा रहे हैं। इस व्लॉग को मैं करूँगा एडिट भाई, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आते हैं वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अभी ऊपर जा रहा हूँ भाई पानी पीने के लिए, क्योंकि यहाँ पानी की बोतल नहीं है ना। तो मिलते हैं कल दोबारा के लिए इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर भाई। मैं ऊपर गया था इसलिए देखो गाड़ी आती कर दी।
अबे तू ड्राइवर है कि स्क्रू ड्राइवर है, इतना गाड़ी घुमाने की क्या जरूरत था? मैं भाई गाड़ी के टायर फाड़ दिए, देखा जरा वो देखो।